हर मसले में तो ये बुखारी का नाम लेते हैं, इसमें नहीं लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तीन तलाक को तीन समझते हैं। वो फरमाते बाब मन अजाजा अत्तलाक अस्सला, तीन तलाक तीन ही है। और उसके बाद फिर वो अहादीस ले आए जिसमें तीन तलाक के बाद आपने मना फरमाया कि उस खावन से दोबारा निकाह हो जाए हत्ता के दरमियान में कोई और आ जाए। यहां तालिब इल्म ये भी याद रखे कि सूरत हलाला खुद नस से साबित है। फइन तल्लकहा, बस अगर खावन ने बीवी को तीसरी तलाक दी, दो के बाद तीसरी, अत्तलाक मर्रतान, फइन तल्लकहा, दो हो गई थी तीसरी, फला तहिल्लु लहू, हलाल नहीं है ये औरत उस तीसरी तलाक के बाद, मिन बादो बाद इन तीन तलाक के, हत्ता तन के हजौ जन गैरा, यहां तक ये निकाह कर ले किसी और खावन से। इसमें इशारा है कि तीन तलाक के बाद उसके साथ निकाह का कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां तक जाए और इद्दत गुजरने के बाद निकाह कर ले। फइन तल्लकहा, बस अगर दूसरे खावन ने भी इस खातून को तलाक दे दी, फला जुनाह अलैहिमा यतराजा, फिर कोई वबाल नहीं है इन दोनों पर कि ये दोबारा निकाह कर ले, पहला खावन और ये दरमियान में एक से होके। इन जन्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर ये गुमान करते हैं कि कायम कर सकेंगे अल्लाह की हदें, वतिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनुहा, अल्लाह बयान फरमाते हैं, लिकौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो जानते हैं। तीन तलाक तीन है, एक कलमे से, तीन कलमों से, एक वक्त में, तीन महीने में, तीन साल में, उम्र भर में, तीन तीन है। और इतना शदीद मसला है कि अगर खावन ने तीन तलाक दे दी, खातून को पता है, और फिर वो काजी की अदालत में इनकार करता है, कहते हैं मैंने दो दी है, मैंने एक दी है, तो काजी तो जाहिर को देखेगा और तलाक में कौल खावन का मोतबर है, तो वो कहेगा ठीक है दो है या एक है, उससे इनकार की सूरत में कसम ले ले। अब खातून को पता है कि ये तीन तलाक दे चुका है और काजी को झूठ बोल करके गलत फैसला करवाया, तो अब ये क्या करे? फुकहा लिखते हैं खावन को तमकीन न दे, अपने ऊपर कुदरत न दे, बिल्कुल अजनबिया की तरह रहे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। हत्ता तक्तुलहू औ तक्तुला नफ्सा, बाहर शरह कंस, फतावे शाम में भी सूरत लिखी है, ला युफ्ता भी, दो ही सूरतें हैं, या ये कि जान की कुर्बानी दे या उसको कुर्बान कर, हाय दिन के गुनाह और जिना से ये एक गुनाह काफी है। अगर इस्लाम में कोई गुंजाइश तीन तलाक के बाद होती तो फुकहा इस नाजुक मौके पर इतनी खतरनाक बात न लिखते। वो दानिशमंद तबका जो कहते हैं किसी में 99 इहतमाल कुफर के, एक इस्लाम का, एक काफिर मत कहो, और इस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि औरत को तरगीब दे रहे अन तक्तुला, कैफ तक्तुला, तजअलु सम फिल हलवा व युहिब्बुल हलवा फयमूत, यूं उसकी जान छूट जाएगी। जिन्होंने तीन तलाक दी है और औरतों को पता है वो सब खावंदों से जुदा होना जरूरी है, दुनिया की जो मुसीबत भी है वो गुजार ले, लेकिन आखिरत के लिए मामला साफ कर ले। और उसमें उलमा या बाज़ हज़रात की तरफ से सुस्ती, मसले की सुस्ती नहीं है, उनकी ना अहलियत और ना काबिलियत है कि उनमें दीन और इल्म पूरा नहीं है। इस मसले में इब्न तैमिया ने और उनके शागिर्द इब्न कय्यम ने और फिर उनके बाद मुत्तबीन ने और हिंदुस्तान के काजी शौकानी और शमसुल हक अजीमाबादी, ये गैर मुकल्लद एंड कंपनी शयातीन जमाना, चुनांचे ऐसो के रद में बिलाद अरब के अनवर शाह शेख जैदुल कोसरी ने किताब लिखी, अल इशफाक फी रद्द निजाम तलाक, उसमें उन्होंने आयात अहादीस सब लिख के सहाबा ताबीन अइम्मा हाउलाए यकुलूना अस्सलासु सलास वहुम जिबालुल इल्म वबुहुरुल इल्म,
ولو اتس احد منهم ليتناصر منه الشوكان والقنوجي. ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि अगर इनमें से कोई छींक मारे ना तो उसके सामने शोकानी और कन्नूजी ऐसे ऐसे लुढ़कते गिरते जाएंगे, कोई हकीकत नहीं होगी। ये क्या है, आम से लोग हैं, आवाम है उनके साथ। लव अतस अहद मिन्हु लयतनासर मिन्हु शोकानी वल कन्नूजी व अम्साल हो अल इश्फाक फी रद्द निजाम तलाक ले अनवर शाह बिलाद अल अरब शेख शेख ना व उस्ताद असातिज़त ना وآيت الله في العالمين على الخلق الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله. हमारे हजरत मौलाना यूसुफ साहब बनोरी फरमाते थे कि उस्ताद गरामी कदर मौलाना अनवर शाह की ख्वाहिश थी कि कोई काबिल आलिम इस पर कलम उठाए और मुज्तहिदाना अंजार के अंदर बास करके इब्ने तैमिया और उनके शागिर्दों के मुगालते और शोकानी और कन्नूजी को इल्मी जवाबात दे। हजरत फरमाते जब मैंने काहिरा जाके शेख जैदुल कोसरी की किताब अल इश्फाक देखी मैं बहुत खुश हो गया और किताब लेकर के सीधा गए हिंदुस्तान और हजरत मौलाना अनवर शाह साहब की कब्र की ज्यारत की और वहां ये जिक्र किया कि हजरत तुर्की या दागिस्तान में एक आलिम पैदा हुए हैं और वो मिस्र आके ठहरे हुए हैं और वो नजदिया और इन लोगों के तुर्की बतुर्की मुफसल रद्द कर रहा है और ऐसी सलाबत ऐसी इस्तकामत ऐसा तबहर ऐसा तवस्सो ऐसी इस्तकामत अल्लाह ने उनको अता फरमाई और ये किताब हजरत ने लिखी है। हजरत फरमाते हैं उसके बाद मैंने ख्वाब देखा कि इमाम अलसर मौलाना अनवर शाह से किताब देख रहे हैं। मैं करीब आया देखा तो अल इश्फाक थी और फरमाया माशा अल्लाह अजादा व बलगल मुरादा फशफा व कफा, इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता था, अल्लाह जजाए खैर दे। हजरत फरमाते थे कि मैं जब शेख जैदुल कोसरी से मिलने गया तो मैंने उनकी खिदमत में अपना ख्वाब जिक्र किया तो हजरत ने फरमाया कि शेख पर रिक्कत तारी हो गई, कुछ देर बिल्कुल सख्ते में चले गए, आंखें बंद कर ली और फिर फरमाया कि मौलाना अनवर शाह को उम्मत का दर्द था और वाकई उस जैसे निहरीर आलिम और बहूर खाम में भी उनकी तरफ से मेरी तस्दीक, मुझे कायनात के किसी और आलिम से तकरीर की जरूरत अब नहीं रही, काफी है। शाह साहब खुश है, उनकी रूह खुश है, वो आप देखेंगे तो तसल्ली होगी। वह हराम अला करियत न हलकना, हराम है तालिब पर कि ये इस दौर के अंदर सही मुताले कर, उसकी कुछ प्यास बुझ सकती है तालिब इल्मों की। मुहक्किकुल असर इमाम अहले सुन्ना वकीलुल हनफिया महजाजुद देवबंद शेख उल हदीस मौलाना सरफराज खान से बारक अल्लाह फी हयातिहिम व शफाहुम अल्लाह व शिफान आजिला व आदाम अल्लाह जिल्लहुल करीम अलैना लिनस्तफीद मिन वजूदिहिल मुख्तनम व उलूमिहिमुल वाफिरा व आमालिहिमुन नाफिया। हजरत की किताब है उम्दतुल असास फी हुक्म तलाक सलास, उर्दू तकरीबन अल इश्फाक का तर्जुमा है, मुफस्सल व मुदल्लल। तफासीर के अंदर मौलाना इदरीस कांदेलवी ने इस जगह कमाल किया है, हर दौर और हर जमाने के अंदर तीन तलाक का सबूत पेश किया है कि वो तीन है और उसके खिलाफ कभी भी नहीं हुआ है। फमिनल अजीब अल मुदहिश वल गरीब अल मुनिस, आज से 15 साल पहले बिलाद अरब के सारे कुजात अइमे हरमैन जमा हो गए और उन्होंने मुत्तफिका जजमेंट की, फैसला लिखा कि तीन तलाक तीन है और उसके खिलाफ करने वाला गुमराह और बेदीन है। वो फतवा अरबी में 226 सफ़े के अंदर शाया है। मुफ्ती रशीद साहब ने अपने अख्तरुल फतावा के अंदर उस पर कब्जा जमा के अपनी किताब का जिल बना दिया है पूरा। चलो इस बहाने किताब महफूज हो गई, अरबी मेरे पास मौजूद है और उनकी उर्दू भी है।